डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू क्लासेस। आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, राइट अ पीएल एसक्यूएल कोड विच विल इंसर्ट द डेटा ऑटोमेटिकली इनटू बैकअप टेबल व्हेनेवर द डेटा इज डिलीटेड फ्रॉम द मेन टेबल। ये क्वेश्चन पूछा गया पीएल एसक्यूएल में से। तो यस, कई बार पीएल एसक्यूएल में से भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी। तो यहां पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। वो कह रहा है पीएल एसक्यूएल का कोड लिखो, जिसमें हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले है एक मेन टेबल। मेन टेबल मतलब ऐसा टेबल जिसको बहुत जगह पे यूज किया जा रहा है, जिसमें सारा का सारा प्राइमरी मेन इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा है। ठीक है, जैसे लेट से कोई इंप्लॉयज का डेटा है जिसमें मेरे पास इंप्लॉयज की आईडीज है, इंप्लॉय का नेम, सैलरी, बहुत कुछ हो सकता है। तो लेट से मैं दो ही कॉलम ले रहा हूं, आईडी और सैलरी। तो यहां पे लेट से आईडीज है कुछ 1, 2, 3, 4, कुछ सैलरीज है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा डेटा मेरे पास मेन टेबल में पड़ा है। अब हो क्या रहा है कि लेट से कोई भी, अब ये मेन टेबल बहुत जगह पे यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली देर कैन बी अ चांस कि कोई इस टेबल में से कुछ डेटा को डेलिबरेटली या फिर एक्सीडेंटली क्या कर दे, डिलीट कर दे कोई ना कोई एंट्री को। ठीक है, मतलब डेलिबरेटली भी कर सकता है या हो सकता है बाय मिस्टेक कोई इस तरीके से हो गया कि लेट से ये रो मेरी क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब पूरी रो अगर मेरी डिलीट हो गई तो यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि एम्प्लॉय का इंपॉर्टेंट डेटा आप लॉस कर रहे हो यहां पे। तो हम चाहते क्या है कि अगर मेन टेबल में से कुछ भी डिलीट हो, कुछ भी रो जो है वो डिलीट हो, तो वो बैकअप टेबल में चली जाए। मतलब एक बैकअप टेबल हमने बना रखा है और उस बैकअप टेबल में भी सेम वही मेरे पास कॉलम्स है, लेट्स से आईडी है और सैलरी है। तो अगर गलती से भी कोई भी रो अगर डिलीट होती है तो ऑटोमेटिकली ये काम ऑटोमेटिकली होना चाहिए, मैनुअली नहीं, क्योंकि टेबल तो बन चुका है, ये दोनों टेबल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अब डिलीशन कभी भी हो सकती है, तो लेट्स से जब भी अगर डिलीट हो तो वो डेटा ऑटोमेटिकली बैकअप टेबल में चला जाए। तो ये चीज हम चाहते हैं। ठीक है, अब ये अगर मुझे करना है ऑटोमेटिकली, अगर मुझे इस चीज को करना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रिगर्स की हेल्प लेते हैं। तो पीएल एसक्यूएल के अंदर क्या होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, जो करते क्या है, कोई भी अगर इवेंट टक्कर होता है, लेट्स से यहां पे एक इवेंट टक्कर क्या हो रहा है, डिलीट एक इवेंट टक्कर हो रहा है मेन टेबल पे, तो जब भी ये इवेंट टक्कर होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर फायर होगा और वो ट्रिगर क्या करेगा, जो भी डेटा डिलीट हो रहा है उस डेटा को ऑटोमेटिकली बैकअप टेबल में डालना। तो ये काम किसका है, ट्रिगर का। तो यहां पे मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूं इसको। तो लेट्स से मेरे पास ट्रिगर है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नेम कुछ भी आप दे सकते हो, T1, ABC, जो भी आप देना चाहते हो। अब यहां पे जाते हैं हम बिफोर डिलीट, कि मतलब मेन टेबल से, जो मेरा मेन टेबल है उसके ऊपर डिलीट कोई भी अगर कर रहा है, तो डिलीट होने से पहले, मतलब डिलीट होने के बाद भी हो सकता है या फिर डिलीट होने से पहले भी हो सकता है, कि अगर मेन टेबल से कोई भी डिलीट करता आइटम को, तो हर रो, जो भी रो डिलीट हो रही है वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए बैकअप टेबल में। तो बैकअप मैंने टेबल बना रखा है, मेन टेबल ऑलरेडी बना रखा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए। और वैल्यूज कौन सी जाए, जो मेरे पास आईडी और सैलरी की वैल्यू आपकी मेन टेबल में पड़ी है। तो मेन टेबल में जो आईडी है और सैलरी है, जो ओल्ड वैल्यू, क्योंकि हम ट्रिगर में दो कीवर्ड यूज करते हैं, ओल्ड एंड न्यू, तो ये मेरा डेटा ऑलरेडी पड़ा है, ये डेटा मेरा ऑलरेडी मेन में पड़ा है। तो मेन में जो आईडी डेटा और जो भी सैलरी का डेटा ऑलरेडी पड़ा है, वो डेटा आपका ऑटोमेटिकली बैकअप टेबल में इंसर्ट हो जाए। लेकिन कब इंसर्ट हो, जब भी कोई मेन टेबल से डिलीट करने की कोशिश करे, तो इस चीज को हम ऑटोमेटिकली जो है वो कर सकते हैं। तो ट्रिगर क्रिएट कर देंगे, उसके बाद जैसे ही हम डिलीट करेंगे रो मेन टेबल में से, तो वो सेम रो, वो सेम टप्पल ऑटोमेटिकली बैकअप टेबल में आ जाएगी। तो लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो ट्रिगर का कोड लिखने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें मेन टेबल यहां पे बनाना पड़ेगा। तो मैंने कोड जो है वो, ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना लगे, तो मैंने कोड ऑलरेडी बना रखा है, क्रिएट टेबल मेन, आईडी इंट और सैलरी इंट। तो ये मैंने यहां पे एक टेबल ले लिया मेन नाम का, और ये लो इसको एग्जीक्यूट किया तो टेबल क्या आ गया, क्रिएटेड। ठीक है, तो ये मेन टेबल हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब इसमें हम फटाफट से क्या करते हैं, दो रोज डाल देते हैं, दो टपल्स, ताकि मेरा डेटा जो है वो कुछ ना कुछ इसके अंदर आ जाए। तो मैंने किया क्या, इंसर्ट इंटू मेन, वैल्यूज डाल दी, 1 आईडी 10,000, सैलरी 2 आईडी
20,000 सैलरी। तो लो जी एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट किया नीचे क्या आ गया, वन रो इंसर्टेड, मतलब बोथ रोज जो है वो इंसर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, क्रिएट टेबल बैकअप। अब यहाँ पे एक बैकअप टेबल बना लिया जो कि सेम उसी टाइप का है, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेन टेबल से जो भी डिलीट करें वो बैकअप में आए। तो यार बैकअप टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉलम भी सेम होने चाहिए, डेटा टाइप भी मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लो जी बैकअप टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो नीचे क्या आ गया, टेबल क्रिएटेड। तो टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ये मत कहना कि सर आप बैकअप टेबल में भी डाल दें। अरे यार बैकअप टेबल में अगर मैनुअली डालना हुआ तो फिर ट्रिगर का फायदा ही क्या, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि बैकअप टेबल में ऑलरेडी जो है वो कुछ ना हो, जब भी हम मेन टेबल से डिलीट करें तो ऑटोमेटिकली आए। तो हमने बैकअप में कुछ भी नहीं डाला। अब हम लिखते हैं टेबल जो है वो, सॉरी ट्रिगर का कोड। तो यहाँ पे ट्रिगर का कोड लिखते हैं। तो ये मैंने कोड अभी आपको समझाया, हम कर क्या रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम बिफोर डिलीट ऑन मेन, मतलब मेन मेरा जो टेबल है उस टेबल के ऊपर बिफोर डिलीट, मतलब उस टेबल पे डिलीट होने से पहले ही हर रो के लिए क्या करेगा, ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। और वो एग्जीक्यूट होके करेगा क्या, बिगिन में हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू बैकअप, मतलब बैकअप टेबल में इंसर्ट करें वैल्यूज, और वो वैल्यूज कहां से उठाए, ओल्ड डॉट आईडी, ओल्ड डॉट सैलरी। ये याद रखना, ये आईडी और सैलरी ये कौन से हैं, ये आईडी और सैलरी मेन टेबल के हैं, ठीक है ना। मे बी आपको कंफ्यूजन हो कि सर बैकअप टेबल में भी तो आईडी सैलरी थे, बट ये आईडी और सैलरी हम मेन टेबल के यूज करें, क्योंकि मेन टेबल से डेटा जैसे डिलीट होगा तो वो एक तरह से यहाँ पे हमने कीवर्ड ले लिया ओल्ड, जो कि बाय डिफॉल्ट हम ट्रिगर में यूज करते हैं। तो आईडी और सैलरी की वैल्यू एक तरह से ओल्ड में चली जाएगी, ओल्ड से वो टेम्परेरली वहां पे चली जाएगी और फिर वो इंसर्ट हो जाएगी बैकअप टेबल के अंदर। और बैकअप टेबल में भी क्या है, आईडी और सैलरी तो है, तो वो आपके उस जगह पे जाके फिट हो जाएगी। तो लो जी इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया क्या आ गया नीचे, ट्रिगर क्रिएटेड। याद रखना ये सिर्फ ट्रिगर क्रिएट हुआ है, अभी काम कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इस ट्रिगर को हमने सिर्फ जस्ट क्रिएट किया है। अब अगर मैं लेट से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैकअप करता हूं, तो आपको लगेगा कि सर डेटा तो आ गया होगा, तो यहां पे क्या है, नो डेटा फाउंड। भैया बैकअप टेबल में अभी कुछ भी नहीं कर रहे, हमने सिर्फ अभी ट्रिगर बनाया है, अभी हमने ट्रिगर को सिर्फ क्रिएट किया है, ट्रिगर फायर नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ गन जो है वो लोड की है लेकिन उसको फायर नहीं किया। तो फायर कब करेंगे, फायर ये कब होगा जब हम डिलीट करेंगे। हमने क्या किया है कि जब भी हम डिलीट करेंगे मेन टेबल से, तो डिलीट फ्रॉम मेन वेयर ID is equal to 1. Let's say मैं पहली रो को डिलीट कर रहा हूं जहां पे ID 1 है, तो हमने किया क्या, डिलीट फ्रॉम मेन वेयर ID is equal to 1, तो मेन टेबल से डिलीट कर दिया, तो 1 रो क्या होगी, डिलीट होगी। तो लो जी मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन, तो मेन से हमने जो है वो एक रो को डिलीट कर दिया, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन किया, तो ये देखो जी 20,000 वाली रो बची हुई है, 10,000 वाली उड़ गई, वो क्या हो गई आपकी, लॉस होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार आप चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा ये डेटा बैकअप टेबल में आया, क्योंकि मेरा ट्रिगर जो है वो बैकअप पे वर्क कर रहा है कि मेन से जब भी डिलीट करें वो बैकअप में आ जाए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैकअप किया, एग्जीक्यूट किया, तो लो जी एग्जीक्यूट करते ही आपको क्या दिख गया, आईडी 1 10,000 सैलरी, और ये कहां से आई, ये रो हमने डिलीट की थी आपके मेन टेबल में, तो मेन टेबल से हमने डिलीट किया, वो ऑटोमेटिकली आपका बैकअप टेबल में आ गया। सो दिस इज हाउ द ट्रिगर्स एक्चुअली वर्क्स। थैंक यू।